ये हमारा लुमिनस का इको 850 इन्वर्टर है, ये बिल्कुल डेट हो गया है। इसको हम बैटरी से करंट दे रहे हैं तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल बंद है। ये बैटरी में इसकी वायर लगाता हूँ और ये बिल्कुल भी लोड भी नहीं ले रहा है, ये बिल्कुल, ये इसके बैटरी में तार मैंने इसके लगा दिए हैं। अब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है, बिल्कुल डेड हो गया है। अब हम इसको सही करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इको मॉडल जितने भी होते हैं 850, 1050 और 1650, ये प्रॉब्लम ये सभी इन्वर्टर में आती है। इसके अंदर जो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसके बैटरी की वायर लगाने से जो ये करंट बताते हैं चार्ज होते हैं, ये चार्ज भी नहीं हो रहे हैं। इनको भी हम सही करेंगे बिना निकाले इसी तरह से, और ये जो बिल्कुल सर्किट काम नहीं कर रहा है उसको भी हम ऐसे ही ठीक करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए हमें एक ऐसी सिरिंच ले लेनी है और हमें थोड़ा सा पानी ले लेना है, ये बिल्कुल सादा पानी है, और हमें इससे यहाँ से हल्का सा बारीक सा कैंची की मदद से या किसी भी कील की वजह मदद से हल्का सा यहाँ बीच में इसके मामूली सा बारीक सा एक छेद कर लेना है, और इस सीरीज से हल्का सा इसके अंदर हम ये थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देंगे, बिल्कुल आराम से डालना है कि पीसीबी के अंदर पानी कहीं ना चला जाए, और बहुत ही थोड़ा सा पानी डालना है मामूली सा। अगर ज़्यादा पानी हम इसके अंदर डालेंगे तो अंदर इसके अर्थिंग ज़्यादा फैल जाएगी पानी की, ये हमने बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है कि और पीवीसी के अंदर भी ना फैले। और हमें फिर एक ऐसी वायर ले लेनी है मजबूत सी एमएम की वायर में से, हमने ये सिर्फ एक इसमें से एक ये तार ले लेना है, नहीं तो हम रेजिस्टेंस की जगह ये बारीक सा फ्यूज़ की तरह से ये तार भी लगा सकते हैं इसके ऊपर से। इस वायर को हम यहाँ रेजिस्टेंस को इसको इस जगह से ये शॉर्ट कर देंगे। ये वायर बिल्कुल फ्यूज़ की ही तरह से लगानी है, ज़्यादा हैवी नहीं करनी है। ये एक साइड से दूसरी साइड पे, ये इसकी सप्लाई की रेजिस्टेंस होती है जो पीसीबी से यहाँ से पूरी पूरी सप्लाई को करंट देती है। ये मैंने इसको रेजिस्टेंस को यहाँ से यहाँ ये शॉर्ट कर दिया है, ये फ्यूज़ की तरह से इसको बांधना होता है बस, या फिर 1 ohms की रेजिस्टेंस हो तो यहाँ ये 1 ohms की रेजिस्टेंस लगा दें। अब हम इसको चेक करेंगे, ये इसके तार को अब मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। ये तार हमारे बैटरी में लग गए हैं दोनों इसके, और अब हम इसको चेक करते हैं। ये हमारा इन्वर्टर ऑपरेट हो गया है, अब हम इसके ऊपर लोड डाल करके चेक करते हैं कि लोड ये उठा रहा है या नहीं। ये हमारा इन्वर्टर को चेक करने के लिए ये 5 pin टॉप लगा हुआ है, इससे हमारे इसमें बोर्ड में लाइट आ जाती है। और अब मैं इसे आउटपुट लेकर के चेक करता हूँ कि हमारी आउटपुट आ रही है या नहीं। ये हमारी आउटपुट 220 वोल्ट इन्वर्टर से आ गई है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये हमारा 100 वाट का बल्ब जल गया है, ये 200 वाट का, और हमारा इन्वर्टर अब ये बिल्कुल ओके हो गया है। ओके, थैंक यू।